छोड़ो क्या ओए क्या क्या ज्यादा एनर्जी मत दिखा ये तो मैं समझता नहीं है समझ गया क्या समझ हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है दोस्तों मेरे साथ में आज ये प्रिया हैं ये है नवीन जांगड़ा इसको तो आप जानते ही होंगे दोस्तों ये अच्छे यूट्यूबर हैं मेरे की तरह हेल्प करते हैं तो नवीन भाई के चैनल का भी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया आप नवीन भाई को भी जाके फॉलो करो उसकी वीडियो को लाइक करो और दोस्तों आज प्रॉब्लम ये है ये प्रिया आई है इनका जो हस्बैंड है उसके किसी लड़की के साथ रिलेशन है ऐसा ही है ना हाँ जी और तो पूछते हैं प्रिया से इनको कैसे पता चला कैसे वो सारी चीज़ें ये अभी हैंडल कर रही हैं एक बार प्रिया आप खुद कैमरे की तरफ देख के बताइए क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है आपके हस्बैंड से वो जब भी रात रात में जैसे कि हमारी थोड़ी बहुत बात हो गई या कुछ ऐसा खाना हो गया फिर उसके बाद में जब मैं सो जाती हूँ तो वो वीडियो कॉल्स पे बात करते हैं और फिर वो बाहर जाके कभी बिस्तर पे नहीं दिखाई देते अगर मैं सपोज उठती हूँ तो मतलब ऐसी ऐसी सारी चीज़ें हैं तो मैंने उनके फ़ोन में भी एक दिन ऐसा देख लिया उनके उनके फ़ोटोज़ मैंने देखे किसी लड़की के साथ में अच्छा और वो बेड पे नॉर्मल नहीं नॉर्मल नहीं थे वो काफ़ी मतलब ओपन थे ठीक है, ठीक तो है। वो वीडियो में मतलब फोटोज में वो लेटे हुए थे तो वो देख के मुझे मतलब थोड़ा मैं उनका अफेयर है मुझे ऐसा मैं श्योर हो गई कंफर्म कि वो उनका अफेयर है अच्छा। तो अब मैं उनसे ना उस चीज़ से ना मतलब मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में मेरी क्या गलती है मैंने ऐसा क्या कर दिया आपने लव मैरिज की था क्या मेरा अरेंज मैरिज है उनके साथ में अच्छा, अरेंज मैरिज और नाम क्या उनका इस रमेश अच्छा। और मैं उनसे कई बार इस टॉपिक पे बात भी करना चाहिए कि प्लीज़ ऐसा क्यों कर रहे हो क्या हो गया ऐसा तो वो बात नहीं करते हैं तो मुझे अब जाके ऐसा स्टेप लेना पड़ा है अच्छा तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ से कैसे आप अपने घर वालों से अपने मम्मी पापा से बात की है हाँ मैं अपने मॉम डैड से बात कर चुकी हूँ तो मॉम डैड तो बोलते कि समझाओ अच्छा तो अभी समझा के अब देखते अभी मुझे कुछ समझे ही नहीं क्या करें नवीन भाई कोई बात नहीं भाई एक बार उसको यहाँ पे बुला लेते हैं अभी कहाँ पे है वो हाल फिलहाल वो अभी अपने ऑफिस में है ऑफिस में है हाँ। तो आपके बुलाने से वो यहाँ पे आ जाएगा हाँ मैं बुलाती हूँ उनको अगर आ गए तो अच्छा है लेकिन मैं उनको बुलाती हूँ बुलाओ कोशिश करो कॉल करो एक बार क्योंकि आएगा तभी हम उनसे बात कर पाएंगे ना और ये हम वीडियो को यूट्यूब पे भी डालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको इससे नहीं नहीं मुझे चलो ठीक है नहीं है बस वो कोशिश करेंगे सुधर जाए वो नहीं तो ऐसे इंसान के साथ रह के भी क्या करना अभी तो आपकी पूरी लाइफ पूरी जिंदगी बची ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ डाल दो लेके हेलो हाँ रमेश कहाँ हो कहाँ पे हो तेरे को नहीं पता अभी तो ऑफिस गया था घर पे हाँ ठीक है आप आ सकते हो क्या मुझसे मिलने के लिए क्यों किस चीज़ के लिए मिलना है अभी तो घर से निकला था मैं हाँ मुझे ज़रूरी बात करनी है तो आप आ सकते हो क्या रात को मिल लेंगे ना फिर घर पे चाहिए तो नहीं मैं रात को नहीं कर सकती हूँ बात अब अगर आप आ सकते हो तो आज अब भी आ जाओ थोड़ी देर में अच्छा ठीक है कहाँ पे तू मैं बीच पे हूँ आपको मैं लोकेशन भेज दूँगी आप प्लीज़ वहीं पे आ जाओ हाँ ठीक है सर मैं आता हूँ हाँ ठीक है ठीक है कर दो लोकेशन सेंड भी अब उसके पास तो दोस्तों हमने इनके हस्बैंड जो रमेश नाम है उनका उनको बुला लिया यहाँ पे कॉल करके और वो आने भी लग रहा है यहाँ पे तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहो हम कोशिश करेंगे इनकी हेल्प करने की उसको प्यार से समझाने की लोकेशन सेंड कर दी है हाँ माइक अभी सेट कर देंगे हम माइक को तो ठीक है दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो में बने रहो भैया हाँ क्या होगा क्यों इतने जल्दी मुझे बुला लिया क्या फालतू काम छड़ गया मुझे आपसे बात करनी थी बहुत ज़रूरी बात करनी है क्या बात करनी है वो हमारे रिश्ते के बारे में ये कि आप वो जो औरत से रिलेशनशिप में इस फालतू बात के लिए तूने मुझे अपने ऑफिस के काम जरूरी काम तो ऑफिस का काम जरूरी है हमारा रिलेशनशिप हमारा शादीशुदा लाइफ भी जरूरी है मुझे ज्यादा मत परेशान कर नहीं तो मैं बहुत तेरे को दूंगा तकड़ा रमेश क्या कर रहे हो मैं बात करने के लिए बुलाया आप मुझसे फिजिकल मत हो फिजिकल वगैरह कुछ नहीं तो उस लड़की की बात की तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा बोल रहा हूं लेकिन हमारा रिश्ता भी कुछ है वो औरत तो हमारे बीच में कैसे आ सकती है कैसे आ सकती वो पहले से तू आई है बाद में तो शादी क्यों किया मुझसे क्यों किया मेरे घर वालों के जबरदस्ती की वजह से किया तू मुझे ज्यादा परेशान मत कर प्रिया मैं तेरे को ना दे दूंगा सच्ची क्या हो रहा है ये क्या है फिजिकल हो रहे हो मुझसे आप तो तू मुझे परेशान मत कर तो मैं ये सारी बातें यहाँ पे आके आपसे बात काम जरूरी था मेरा तू यहाँ मुझे इस फालतू तो बात ऑफिस का काम जरूरी है तो हमारा रिश्ता जरूरी नहीं है क्या
आप ये बताओ मुझे, तेरे को मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा परेशान मत कर, मैं तेरे को एक लफड़ दूंगा ना। आप शांति से बात करो, आपको समझ में आएगी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपसे। आप, मैं आपसे क्या चाह रही हूँ, परेशान मत कर, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप उस औरत को निकालो अपनी लाइफ से। छोड़ो, ज्यादा एनर्जी मत दिखा, ये मेरे पति है। पति होते हैं यार, तुम लोग बताओ कौन हूँ, बताओ कौन है तू? इसको आराम से बात सुन ले, आराम से बात सुन ले। कौन हो तुम लोग? प्यार से बात सुन, प्यार से बात कर। क्या बात कर रहा था इससे? अब करना करना राम को। कौन है ये प्रिया? मुझे उनकी इनकी भाइयों की मदद लेनी पड़े, क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया ऐसा करने पे। क्योंकि आप समझ ही नहीं रहते कि जो हमारा जो रिश्ता है उससे ज्यादा बेहतर है, हम शादीशुदा है। तो क्या हुआ, मैं तुझे बोला ना, तू ये फालतू बातें के लिए, वो किसी, ये फालतू बातें नहीं है, ये फालतू बातें नहीं है, ये फालतू बातें नहीं है। अपना अपना है, कौन हो तुम? अब ये हमारा मैटर नहीं रहा। तेरी बात समझ में नहीं आ रही, इसको समझाना तो नू, अभी समझा रही है, समझा रही है, नहीं आ रही समझ में? नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, समझा ना, क्या दे इसको, रख इधर, इसको क्या क्या करता है, क्या क्या हरकत करता है ये? उस औरत से बात करते, मुझे मारते हैं अभी इन्होंने, खुद मुझसे मारता, फिर अभी इन्होंने फिर से मुझे हाथ लगाया, इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है। और बता, बोल ना। ये मुझे मारते हैं, उस लड़की से बात करते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो ये उस लड़की से दूर हो जाए, उस लड़की से कोई रिश्ता ना रखे। क्या करना भाई तुम्हें? दूर होएगा, नहीं छोड़ सकता मैं उसको। ये तेरी पत्नी है, ये तेरी एक पत्नी है, किसी और आदमी को छोड़ेगा क्या? हाथ मत लगा, क्या हाथ मत लगा, ये जब किसी और आदमी के साथ जाएगी तेरे को अच्छा लगेगा? मैं उसको नहीं छोड़ सकता, वो मेरी बहुत पुरानी गर्लफ्रेंड है। अरे ये तेरी पत्नी है, समझ में नहीं आती क्या? तेरी तो मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे। आपने आपने कोई रास्ते नहीं छोड़ा, मैं क्या करती? इसको नहीं छोड़ूंगा, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। पत्नी है, पत्नी है, तू पत्नी के साथ ऐसे कर रहा क्या है? तेरी पत्नी है वो, इस बार इससे या तो गलती मान ले, गलती मान ले ना। मानूंगा बोला, नहीं मानेगा गलती, गलती नहीं मानेगा, मानेगा गलती, आराम से गलती मानेगा या नहीं? बेटा ना, गर्दन टूट जाएगी, गर्दन टूट जाएगी। नहीं मानता, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगा। नवीन छोड़, एक बार इसको ऐसे नहीं मानेगा, छोड़ मेरे को, छुड़वा ले, सारे के सारे बाड़ों को निकाल दूंगा, गंजा कर दूंगा यहीं पे गंजा। पकड़ो मेरे को, छुड़वा ले, छुड़वा, छुड़वा, साले को ऐसी जगह पे लात मारूंगा, साले को रहने दो, मेरे पति है, क्या रहने दो, आते हो हमारी हेल्प कर दो, हेल्प कर दो। आप सुन, हम एक बार बात करते देखते अगर माने, बात कर लो, आप करो बात, कर कर भाई बात, करवा आप प्लीज, आप उसको छोड़ दें, नहीं तो फिर मुझे और कोई फिर स्टेप लेना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल यही बात कर रहे, फिर मुझे लीगली आपके खिलाफ, फिर मुझे लीगली एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे इतना मजबूर कर, टॉर्चर भी किया है आपने मुझे, टॉर्चर भी किया है आपने मुझे। जबड़े को निकाल दूंगा, आराम से बात कर ले, आराम से बात कर, इससे आराम से बात कर, आराम से बात कर ले, आराम से। आपने मुझे टॉर्चर भी किया है और आपने मुझे बहुत परेशान किया है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ये मुझे मारे, अभी भी यहाँ पे इन्होंने मुझसे, अभी भी इन्होंने मुझसे, अभी भी इन्होंने मुझसे मुझे बात बात भाई मुझे बात करने दो यार, मेरी पत्नी से कर लेना आराम से, कर बात कर, हम भी तो वही चाहते हैं बात कर। मैं चाहती हूँ आप उसे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़, मैं बस यही चाहती हूँ, नहीं छोड़ सकता, क्यों नहीं छोड़ सकता इसको, है ना? एक मिनट रुक रुक, नवीन इसको ऐसे नहीं मानेगा बेटा, तू नहीं छोड़ेगा ना, इसको दिखा दे, एक बार उधर देख रहा, उधर देख, उधर देख, उधर देख, तेरी वीडियो बन रही है, नहीं छोड़ेगा ना, नहीं छोड़ेगा भाई। ये अपनी पत्नी को ना धोखा दे रहा है, ठीक है? अरे भाई वीडियो मत डालो भाई, भाई भाई नहीं 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 करूंगा, नहीं करूंगा, ना ना कर कर कर, इससे कर लेना, कर ले यार, नहीं भाई नहीं नहीं भाई नहीं नहीं करूंगा। क्यों, अभी तो इसको मार रहा था तू। अरे भाई गलती हो गई भाई, गलती हो गई भाई, मत करो ऐसा प्लीज प्लीज भाई। नहीं पुलिस स्टेशन में जाना, क्या करना है पुलिस स्टेशन में लेके जाना इसको, क्या करना अभी है? मैं बस तुम ही उनको बोल दो, तुम ही लेके आयो, अभी नहीं करूंगा मैं, नहीं करूंगा धोखा, मैं इनसे नेक्स्ट टाइम कभी कोई मदद नहीं लूंगी अगर आप उसे छोड़ देते हो तो। और मैं आपके फोन से वो सारी, उसका नंबर आप खुद ही डिलीट कर दो या फिर मैं डिलीट करूँ। हाँ डिलीट कर दूंगा, और मैं आप पे भरोसा कैसे करूँ? मोबाइल ये तुम ही डिलीट कर दो। अगर मैं आप पे भरोसा कैसे करूँ, अगर वापस आप करोगे तो मैं लीगली जाऊँ? नहीं करूँगा मैं,
और मैं इनको वापस ही मदद लूं। नंबर कर, आप फोन दीजिए। मदद क्या, इसको पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे, साड़ी को घसीटेंगे पुलिस स्टेशन में इसको, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इन्होंने मुझे मजबूर कर दिए। अभी तो वार्निंग दे छोड़ रहे हैं इन्होंने, मुझे बहुत ज्यादा ये किया है, इसकी वजह से मुझे यहाँ तक आना पड़ा। नाम क्या है उसका? शर्मिला। तेरी पत्नी है। ब्लॉक भी करना साथ साथ नंबर डिलीट करके, पहले ब्लॉक करो फिर डिलीट नंबर। ठीक है ना, जाओ अब जा यहाँ से, हम इससे दो मिनट और बात कर रहे हैं, जा इसका वेट कर वहाँ पे, इसको साथ लेके जाना। क्या करें अभी? अभी मैं चाहती हूँ एक बार उनको मौका दे। अच्छा। मैं चाहती हूँ कि, मुझे यकीन तो नहीं है लेकिन मैं सोचती हूँ कि एक मौका देती हूँ मैं, अगर ये कुछ नहीं करते तो, मुझे भी नहीं है उसको, और कुछ ऐसा रहा तो फिर मुझे लीगली मैं एक्शन लो, एक्शन लूंगी। आपकी पूरी जिंदगी पड़ी क्योंकि मेरी पूरे लाइफ का सवाल है, मैं कितने दिन से ये देख रही हूँ, तो मैं लास्ट में मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, फिर मैं आपसे। आप कुछ टाइम देखो, अगर फिर नहीं कुछ होता तो सोनू भाई का नंबर है आपके पास? हाँ, मैं कॉन्टेक्ट करूंगी, और इनका फोन भी रह गया, चले गए उनको। कोई नहीं, वो वेट कर रहा तुम्हारा, ठीक है जाओ। अभी कुछ ऐसा रहेगा तो फिर मैं आपसे, अगर घर पे अभी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे हमें बता देना। जी ठीक है, कॉल कर लेना आप। ओ भाई इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। अगर इसको परेशान किया ना घर पे जाके, वीडियो कॉल पे बात करूंगा मैं, ठीक है? तेरे से वीडियो कॉल पे बात करूंगा, अपना फोन भी ले जा, ठीक है ना? और इसको भी जाओ, इसके साथ जाओ, इसको भी ले जाओ। चलो भैया। हेलो दोस्तों, आपने वीडियो अभी देखी, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके बताओ वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मैंने फेसबुक का, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे भी जाके मेरे को फॉलो करो। दोस्तों ये नवीन भाई है, नवीन जांगड़ा, इसको आप जानते ही होंगे, यूट्यूब का इनका चैनल है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप भाई को भी जाके फॉलो करो और इनकी वीडियो देखो, काफ़ी अच्छी एक्सपोज वीडियो, हेल्प वीडियो है भाई की। आप भी बोलो भाई कुछ अपने व्यूवर्स के लिए। बस भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, भाई सोनू भाई जैसा कर रहे हैं भाई ऐसा ही करता रहे, अच्छा लगता है, ताकि आप लोग भी भाई ऐसे लोगों की वीडियो शेयर करो भाई, मतलब यार जो दूसरे लोग होते हैं उन तक एक मैसेज जाए, वे ऐसा हरकतें ना करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है भाई? ओके भाई, लव यू ऑल।